इस मुल्क की जड़ों को हिलाया जा रहा था, चंद्रशेखर तुम क्या कर रहे हैं? तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A आर्टिकल 51A ये कहता है कि मुल्क के प्रत्येक व्यक्ति के, देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो गुनाह कर रहा है, वो जुल्म होते हुए देख रहा है। और उसी आर्टिकल का 51E ये कहता है कि मुल्क में धर्म के आधार पर अगर कोई कुछ भेदभाव कर रहा है, जन्म के, लिंग, समुदाय, स्थान के आधार भेदभाव कर रहा है, तो वो भी देश के संविधान को कमजोर कर रहा है, तोड़ रहा है। पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सरकार के जितने भी फैसले हैं, सरकार ने जितने भी कानून बनाए, संविधान को ताक पर रख के बनाए। अगर ये मुल्क का संविधान कमजोर पड़ जाएगा तो इस मुल्क में हम सब लोग जो रह रहे हैं, जाति धर्म से बड़ी भी एक मजहब है, उसको इंसानियत कहते हैं, वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारा गुनाह सिर्फ इतना है, मुझसे कहा गया कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया। मेरा भड़काऊ भाषण आप लोग सुनना चाहते हैं जो मैंने वहां दिया? वो इसी पवित्र किताब में है जिसको संविधान कहा जाता है। मेरी बहन बराबर में बैठी है, बहनों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। तो ये इसी किताब के पन्नों में जो है वो छिपा हुआ है, जिसको देखो मुझे भी नहीं मिल रहा। हाँ, वो पीछे चला, मैं एक सेकंड में उसको खोज नहीं मिल गया। शुक्रिया साथी। ये वो भड़काऊ भाषण है, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया इसको सुने, जिस भड़काऊ भाषण पे चंद्रशेखर को पुलिस अरेस्ट करके जेल लेके जाती और कोर्ट में कहती है कि सर चंद्रशेखर बहुत भड़काऊ भाषण दे रहा था, हमने बचा लिया, मुल्क में बहुत बवाल हो जाता। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में उस दिन तारीख जब ये प्रीम्बल लिखा गया 26 नवंबर 1949, और जब मैंने ये कहा तो वो 20 दिसंबर 2019 को एहतजाज इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म करते हैं। ये वो भड़काऊ भाषण है जिसके लिए मुझे जेल भेजा गया। मैं इसे रोज पढ़ूंगा क्योंकि ये संविधान ही मुझे जीने का अधिकार देता है। और मैं डिप्रेस क्लासेस से आता हूं, मैं ये बता देना चाहता हूं, मेरे बदन पे तो जो कपड़े हैं ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मुझे मिले। मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता, ना इसके खिलाफ जाने की इसको इजाजत देता हूं। कोर्ट ने, मेरे वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुझे सलाह दी है कि मैं माननीय मोदी जी का सम्मान करूं, उनकी रिस्पेक्ट करूं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए उनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी। मैं उनके नाम के साथ श्री श्री मोदी जी जोड़ देता हूं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपका सम्मान करता हूं, आप भी हमारे मुल्क के संविधान का सम्मान करें, उसको ताक पर रखकर, उसको काट छांट कर बार बार फैसले ना लें, ये संविधान कमजोर हो जाएगा। और ये एक ऐसा संविधान है जो मुल्क का, सब पूरी दुनिया का सबसे अच्छे मुल्क का, सबसे प्यारे मुल्क का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बेहतरीन संविधान है। और ये उस व्यक्ति ने लिखा जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज जो है कहा जाता है, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इतिहास 250 साल का चेक किया जाता है। आज हमारे भाई रोहित वेमुला की शहादत का भी दिवस है, पूरे देश में बाढ़ आया था जब उन्होंने, उनकी शहादत हुई। दुख है कि जामिया में जो हुआ बुरा था, हमारी बहनों को पीटा गया, इस देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है, छोटी बच्चों के भी पैर छुए जाते हैं, उनको जब वो पैदा होते कहते घर में लक्ष्मी आई है, और उनको पीटा जा रहा था। जेएनयू में जो हुआ आप सब लोगों ने देखा, अच्छा नहीं था। एएमयू में हुआ, डीयू में हुआ, अच्छा नहीं था। मैं
जब पहले जेल हुआ मैंने तब भी कहा था पुलिस के लोगों से कहा था कि हमें मारो ना, हम उनके भाई हैं, हम उनके सुरक्षा कवच, हमें मारो, हमारी कमर तैयार है आपकी लाठियां खाने के लिए, हमारी बहनों के का अपमान मत करो, ये गलत। मैं पूरे तमाम देशवासियों से आप चैनल के अपने जो मीडिया के साथी उनके माध्यम से कहना चाहता हूं, महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है। पैरियर साहब कहते थे कि जिस समय इस देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आधी रात को एक महिला का कुछ मील अकेले पैदल घूम आए और वो सुरक्षित महसूस करे, तब इस देश को मैं सोचूंगा कि देश का पूर्ण विकास हुआ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।